हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। एंड आज हम आए हैं होगेनक्कल, जो कि तमिलनाडु में है, और हम लोग आए हैं बेंगलोर से। और बेंगलोर से ये होगेनक्कल आपको पड़ेगा 125 किलोमीटर, और रास्ता भी बहुत अच्छा है यहाँ पे आने के लिए। लेकिन जब भी बेंगलोर से यहाँ तक आने का प्लान बनाओ तो जल्दी ही आने की ट्राई करो, क्योंकि रास्ता अच्छा है लेकिन वो घाटी वाला रास्ता है पूरा। हम वहाँ से 10 बजे निकले और हमको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगभग 3 घंटा लग गया। वेलकम टू द ब्लॉग अगेन। ओके नक्कल अगेन। सो फॉर मी इट्स द सेकंड टाइम। या सो प्रीटी मच एक्साइटेड टू सी व्हाट हैज चेंज्ड इन लास्ट 4 इयर्स। यस, हम अभी जो बोट बुक करने वाले हैं वो यहीं से बुक होगा, और ये गवर्नमेंट का है तो एक बोट का प्राइस 800 है। हमने हमारा लाइफ जैकेट पहन लिया है और रेडी है बोट में जाने के लिए। और इस राइड को यहाँ पे कोराकल राइड बोलते हैं। साइड साइड, मैं इस साइड बैठ जाऊँगा। लिटरली बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस पे बैठने का। 5 बज गया। ये ट्रिप तो यहीं पे ख़त्म हो गया। एक्चुअली में हमने जो गवर्नमेंट का बोट लिया था वो बस थोड़े ही टाइम के लिए था, लेकिन जो मेन वाटरफॉल है वो नीचे है, और उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, और ये हमको पड़ा 4000 पर बोट। तो एक्चुअल में इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होगा हमारा ट्रिप, और ये ट्रिप पूरा 2 से 2.5 घंटे का होगा। ये हमको ऐसे लेके जाएंगे अंदर, फिर वहाँ से घुमा के फिर यहीं पे छोड़ देंगे। ये फोटो लो इनका, मैंने तो धीरे से घुमाना। जबरदस्त प्लेस है यार। हाँ, बहुत अच्छा लगा। चश्मा पहना ही नहीं तब से, इसीलिए। बड़ा वाटरफॉल है यार असली। ये बड़ा वाला वाटरफॉल किधर है? बड़ा वाला अभी कम है पानी, ऊपर उधर जाएंगे। अच्छा, ये बड़ा वाटरफॉल वो अगस्त में आता, वो वाटर बोटिंग वगैरह वाटरफॉल रहता है, अभी ऊपर में देखने उधर नीचे जाएंगे। नहीं ना, लास्ट टाइम आया था ना बोटिंग, उधर वाटरफॉल नहीं जाएंगे। कितना पानी यहाँ पे देखो, वाओ जबरदस्त। टाइम पूरा किला हो चुका है नीचे से। आते नो प्रॉब्लम, आ जा भैया, कावेरी पानी है। अच्छा, जाएंगे उधर अलग सिल पाते हैं भैया, खेत से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, राउंड राउंड चक्री
एक रील्स 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 का इसका रील्स डाल सकते हो मधु। तो लगभग एक घंटे के ट्रिप के बाद आपको इस पॉइंट पे छोड़ देंगे और यहीं पे आप घूम सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं और यहाँ पे फिश वगैरह फ्राई होता है वो भी खा सकते हैं। और ऐसे पानी के बीच में ही दूसरे बोट से बेचने के लिए कुछ ना कुछ सामान आपके पास आ जाएंगे। तो हमारा ट्रिप लगभग ख़त्म होने वाला है और हम लोग अभी वापस जा रहे हैं एंड ओवरऑली ये ट्रिप बहुत ही मज़ेदार था।